बुरहानपुर में राज्य सरकार के निर्देशों की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर लगातार तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिसके चलते तहसीलदार रामलाल पगारे ने ध्वनि प्रदूषण और कोलाहल अधिनियम के तहत डीजे संचालक पर कार्रवाई की। बता दें कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बैठकें आयोजित कर मैरिज गार्डन संचालकों और डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से बता दिया है। इसके बावजूद भी मैरिज गार्डन में बेखौफ होकर डीजे बजाए जा रहे थे। इसी क्रम में एक गार्डन में तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत मिलने पर बुरहानपुर तहसीलदार रामलाल पगारे ने मौके पर पहुंचकर डीजे को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही डीजे संचालक और मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यहाँ पर मंगल मेला परिसर मोहम्मदपुरा का मैरिज गार्डन है, यहाँ पर डीजे अधिक ध्वनि में बज रहे थे, इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। किस तरीके की कार्रवाई की गई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार वहाँ पर अधिक ध्वनि में डीजे साउंड बज रहे थे, उन्हीं को जब्त कर हमने थाने लालबाग को सुपुर्दगी दी है। अब क्या होगा सर? अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, संबंधित मैरिज गार्डन वाले पर भी और जो संबंधित डीजे वाले, उन दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी शहर में देखा जा रहा है कि तेज ध्वनि से डीजे बजेगा, उस पर क्या कोई दल गठित दल इस पर क्या कार्रवाई करेगा? थाने का क्या रहेगा? माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जिले में FST फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर दिया गया है, जहां से भी कोई भी सूचना आएगी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेगा।